इंडिया के सेकेंड वेव में सबसे ज़्यादा स्प्रेड होने वाला डेल्टा वेरिएंट क्या है, ये क्यों ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्यों इसे हम डबल म्यूटेटेड वेरिएंट बोल रहे हैं, कौन सा वाला वैक्सीन इस डेल्टा वेरिएंट में सबसे ज़्यादा असर दिखा रहा है, ऐसे ही बहुत सारे सवालों के आंसर लेके आज हम आए हैं इस वीडियो। डेल्टा वेरिएंट को लेकर एक क्लियर कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हो। इंसानों में या वायरस में एक चीज़ कॉमन होता है, वो ये है कि हर एक के डीएनए में जीन होता है जो कि जेनेटिक कोड से बनता है। इसी जीन से आगे जाके प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और इसी प्रोटीन से हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिसाइड होता है। डीएनए के रेप्लिकेशन के टाइम अगर इसी जीन में या फिर जेनेटिक कोड में कोई चेंजेस आ जाए तो वो आगे जाके पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन इन दोनों को ही चेंज कर देगा। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं इसीलिए इस चेंज को हम फिर से करेक्ट कर सकते हैं, पर वो वायरस इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता, उसका मेकानिज़म बहुत ही पुअर होता है, बहुत ही पुराना होता है, इसीलिए वो इस चेंज को करेक्ट नहीं कर पाता है। एज ए रिजल्ट उसके जो स्ट्रक्चर है और जो फंक्शन है दोनों ही चेंज हो जाता है, तो इसे ही हम बोलते हैं म्यूटेशन। ज़्यादातर ये वेरिएंट्स जो म्यूटेशन की वजह से तैयार हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता, इसीलिए हम इसे इग्नोर कर देंगे। पर कुछ कुछ वेरिएंट्स इसमें ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा लेथल होता है, तो उसे हम साइंटिफिकली डिनोट करने की कोशिश करते हैं, उसे ही हम नोट करते हैं। चाइना के वुहान शहर से जो कोरोना वायरस फैला था उसे साइंटिफिकली G614 का नाम दिया गया। ये कोरोना वायरस जब पूरे वर्ल्ड में फैल गया तो उसका कुछ वेरियंट्स बना, तो एज ए रिजल्ट चार ऐसे वेरिएंट्स मिले जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल थे। वो चार वेरिएंट्स हैं B117, B1351, P1 और B1617। साइंटिस्ट तो अब भी इन वेरिएंट्स को अपने साइंटिफिक नाम के मुताबिक ही बोलते हैं, पर जो कॉमन इंसान थे उनके लिए ये नाम याद रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, तो इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, इस वेरिएंट्स को उनके जो देश था जिस देश में ये वेरिएंट पहली बार पाया गया था उस देश के मुताबिक इसका नाम दे दिया गया। जैसे कि B117 को UK का वेरिएंट बोला जा रहा था, B1351 को साउथ अफ्रीकन वेरिएंट बोला जा रहा था, P1 को ब्राज़ीलियन वेरिएंट बोला जा रहा था और B1617 को इंडियन वेरिएंट बोला जा रहा था। अब क्या हुआ, इंडिया में जो कोरोना वायरस का वेरिएंट था B1617 उसका दो सब वेरिएंट पाया गया, तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि इंडिया में दो नया सब वेरिएंट आ गया B1617.1 और B1617.2। अब इस दोनों को ही इंडियन वेरिएंट्स बोला जाएगा और ये जो नाम था ये WHO के मुताबिक ठीक भी नहीं था, तो इसीलिए WHO ने इस नेमिंग को करेक्ट करने के लिए एक प्रॉपर WHO नेमिंग निकाला। इस WHO नेमिंग के मुताबिक UK का B117 वाला वेरिएंट को अल्फा बोला गया, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट जो B1351 था उसे बीटा वेरिएंट बोला गया, ब्राज़ीलियन वेरिएंट P1 को गामा वेरिएंट बोला गया और इंडियन वेरिएंट का जो B1617.1 था उसे कप्पा वेरिएंट बोला गया और इंडिया का जो B1617.2 था उसे डेल्टा वेरिएंट बोला गया। तो ऐसे आया डेल्टा वेरिएंट नाम। डेल्टा वेरिएंट कितना ज़्यादा डेंजरस है शायद ये आपको अलग से बताना नहीं पड़ेगा। सेकेंड वेव में मैक्सिमम इन्फेक्शन और मैक्सिमम डेथ इसी डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही हुआ है। अब ये सवाल आता है कि डेल्टा वेरिएंट को डबल म्यूटेटेड वेरिएंट क्यों बोला जा रहा है, तो अभी तक मैंने जो बोला है पहले उसे रिकैप करके देखिए। पहले क्या हुआ, कोरोना वायरस जो वुहान शहर से आया था उसका एक वेरिएंट हुआ जो कि था इंडियन वेरिएंट, इसका मतलब यहाँ पे एक म्यूटेशन हुआ। उसके बाद जो डेल्टा वेरिएंट जो तैयार हुआ वो इंडियन वेरिएंट का भी एक सब वेरिएंट है, मतलब इंडियन वेरिएंट का भी म्यूटेशन हुआ उसके बाद एक सब वेरिएंट बना, इसी को हम बोल रहे हैं डेल्टा वेरिएंट। तो यहाँ पे कितना म्यूटेशन हुआ, दो म्यूटेशन, तो एज ए रिजल्ट इसे हम डबल म्यूटेटेड वेरिएंट भी बोल रहे हैं। अभी एक नया
अपडेट उठ के बहुत ज़्यादा आ रहा है वो है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट। हाँ ये सच है कि डेल्टा वेरिएंट का अभी म्यूटेशन होके अभी उससे भी बहुत ज़्यादा डेंजरस डेल्टा प्लस वेरिएंट आ चुका है, पर इसके केसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। 7 जून तक सिर्फ 6 केसेस ही अभी तक पाए गए हैं, पर ये इसका इन्फेक्शन जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। जिस इंसानों को भी वैक्सीनेट किया गया है ये वेरिएंट उनके अंदर भी इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रिलेटेड वैक्सीन को ब्रिज कर देता है, मतलब ये जो वैक्सीन है ये जो एंटीबॉडी क्रिएट हो रहा है हमारे बॉडी में ये कोई असर नहीं दिखाएगी ये डेल्टा प्लस वेरिएंट के ऊपर। एज ए रिजल्ट जिस जिस इंसान को भी वैक्सीनेशन हो चुका है उनके अंदर भी ये डेल्टा प्लस वेरिएंट फिर से इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है, उन्हें फिर से डिजीज कर सकता है। कुछ डॉक्टर्स ये भी मान रहे हैं कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट थर्ड वेव का रीजन हो सकता है, पर इसके ऊपर कोई भी डिसीजन अभी सुनाना ठीक नहीं है क्योंकि इसका केसेस बहुत कम है। कोविड-19 का थर्ड वेव इंडिया को कब हिट करेगा अगर आपको ये जानना है तो आप हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, इसमें हर एक चीज़ डिटेल में बताया गया है। इसका लिंक ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, पर हाँ इस वीडियो के बाद इसे ज़रूर देखिए। अभी जो एक अपडेट बहुत ज़्यादा उठ के आ रहा है वो है कि बच्चे जो 18 की कम उम्र में है वो वाले बच्चे थर्ड वेव में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। क्या ये सच है? इसके ऊपर अगर आप एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप ही इसे डिसाइड कीजिए कि क्या हम इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएं या नहीं। अगर आप इस वीडियो में 50 लाइक्स पूरे कर देंगे तो हम समझ जाएंगे ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसे सपोर्ट कर रहे हैं, ये चाहते हैं ये वीडियो, तो हम इसे ज़रूर बना के लाएंगे। तो लगता है कि हमारा ये इनिशिएटिव हमारा ये वीडियो अच्छा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन में ऑल को दबा दीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।